अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। ये डायग्राम्स है इसमें सारी, मतलब इसमें कोई हार करने वाली चीज़ नहीं है, डायग्राम्स बनानी है। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा करें। तो हम दोनों लेंसेज की मदद से, यानी कन्वेक्स और कनकेव की मदद से इमेज यहाँ पर ड्रा करेंगे एक ऑब्जेक्ट का। वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, उसके बाद लाइट मीट करती है और इमेज बनता है। तो पहले हम कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। तो कन्वेक्स लेंस जो होगा वो उसकी क्या था कि वो किनारों से बिल्कुल थिन होता है और दरमियान से थिक होता है। तो इस तरह से ये शेप लेंस की थी, ये ऑप्टिकल सेंटर था उसका और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करना है। ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया और तीन रेज जो है ना लाइट की ड्रा करनी है। तो पहली रे जो होगी वो लेंस के ऊपर वाले हिस्से से आके जो है ना वो रिफ्रैक्ट होगी। दूसरी वाली जो रे होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और स्ट्रेट चली जाएगी। यहाँ से रिफ्रैक्ट क्यों नहीं होगी, मतलब डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ जो लेंस की थिकनेस है, यानी जो स्टार्ट और एंड है एक जैसा है, इस वजह से लाइट जो है ना वो बेंड नहीं होती, जस्ट स्लो डाउन होती जब यहाँ से गुजरती है। उसके बाद फिर तीसरी रे जो होगी वो पहले फोकल लेंस से पास करेगी, फिर वो लेंस के निचले वाले हिस्से पे आके जो है ना वो रिफ्रैक्ट होगी, ये यहाँ पे। तो ये जो जिस पॉइंट से पास करी उसे फोकल लेंथ कहते हैं। उसके बाद ये मीट करेंगी, अब ये मीट करेंगी यहाँ पे ऊपर जो होगी ये भी रिफ्रैक्ट करेगी और इस पॉइंट से फोकल लेंथ से पास करते हुए आएगी और इस पॉइंट पे मीट कर लेगी। ये इसका फोकल लेंथ हो गया इधर, और ये क्या हो गया, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज आ गया। ये रियल इमेज और इन्वर्टेड भी होगा साथ में, ठीक है जी। तो ये पहली रे थी, दूसरी और ये तीसरी। अब याद रखना है कि अपर पार्ट पे रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्रैक्ट होकर फोकस से पास करेगी। अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो स्ट्रेट चली जाएगी। तीसरा, अगर वो पहले फोकल लेंस से पास करती है लोअर पार्ट पे लेंस पे आकर रिफ्रैक्ट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो तीनों जहाँ मीट करेंगी वहाँ रियल इमेज बन जाएगा। अब बात करते हैं कनकेव लेंस की, जो कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो देखें कनकेव लेंस, उसकी मदद से जो है ना वो कैसे डायग्राम बनेगी। तो उसके लिए आपको वही दोबारा दोबारा डायग्राम ड्रा करें लेंस की। इसकी क्या निशानी है कि ये साइडों से थिक होता है और दरमियान से थिन होता है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, और इसके सामने भी हम प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे और यहाँ भी तीन रेज यूज़ करेंगे। ये पहले ऊपर वाले हिस्से में, तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। उसके बाद दूसरी रे जो होगी वो से थोड़ा सा निचले वाले हिस्से पे आके जो है ना वो टकराएगी, थोड़ा ज़्यादा नीचे कर दिए, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, स्ट्रेट हो जाएगी बिल्कुल इस तरह। तीसरी जो होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और इमेज बनाने में हेल्प करेगी। अभी देखें इसको अगर बैकवर्ड लेके जाएं, या पहले तीसरी ड्रा कर लेते हैं। तीसरी जो आएगी वो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ठीक है जी। ये रे थ्री हो जाएगी। उसके बाद देखें इसको बैकवर्ड बढ़ाइए, यहाँ यहाँ मीट करती हैं ये, इसको भी बैकवर्ड बढ़ाइए, ये यहाँ मीट करेंगी, यहाँ एक छोटा सा वर्चुअल इमेज बन जाएगा। ये रे सरक चली जाएगी इस तरह से, ये तीनों जो है ना वो इमेज बनाती हैं। अब यहाँ देखिए इमेज सेम साइड पे बना है, यानी कि जो ये फोकल लेंथ जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा था उसी साइड पे बना है। तो वर्चुअल इमेज की ये निशानी है, सेम साइड पे बनता है। ऑब्जेक्ट जब इस साइड पे है, इमेज राइट साइड पे बन रहा है, तो वो रियल इमेज बनता है।
ये भी रियल वर्चुअल इमेज बना सकते हैं। उसके लिए और कौन सी सीक्वेंस है, उसके सीक्वेंस ज़रा डिफरेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी आगे चल के। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, तो अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे तो इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी और फिर एट द नेचर भी चेंज हो जाएगी, तो वो देखते हैं अब। जी, तो आपने अभी इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज देखा, तो अब आपकी बुक में से देखें, ये हमने ये डायग्राम ड्रा की और ये कनकेव और कन्वेक्स दोनों की। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंसेज। तो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे तो जो इमेज है उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, और हम साथ साथ डिफाइन करेंगे कि इमेज किस तरह का बना है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट जो है वो इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस जो पड़ा हुआ है और वो 2f से बियॉन्ड है, यानी f फोकल लेंथ, उसको डबल करें, वो डबल फोकल लेंथ 2f से डिनोट कर देंगे, उससे के बाहर जो है ना वो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया। तीन रेज वही जो आपने पहले यूज़ की, एक जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट, और तीसरी पहले फोकल लेंथ से और फिर लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट होगी। तीनों मीट करेंगी एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट होगा फोकल लेंथ और डबल फोकल लेंथ के बीच में, और जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, रियल और इन्वर्टेड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। अब आपने याद रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड प्लेस करेंगे तो राइट साइड पे जो इमेज है वो फोकल लेंथ डबल फोकल लेंथ के दरमियान बनेगा, और रियल इन्वर्टेड और स्मॉल एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट उसको थोड़ा और आगे प्लेस करते हैं, आगे प्लेस करेंगे तो हम डबल फोकल लेंथ पर रख देते हैं। डबल फोकल लेंथ पर रखेंगे फिर दोबारा वही तीन रेज, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपर पार्ट से रिफ्रैक्ट होगी, फोकल लेंथ से गुजरेगी, दूसरी वो ऑप्टिकल सेंटर से, तीसरी पहले फोकल लेंथ से गुजरेगी लोअर पार्ट से रिफ्रैक्ट होगी, और यहाँ तीनों मीट करेंगी तो एक इमेज बन जाएगा। अब जो इमेज बना है उसका साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, तो जब भी ऑब्जेक्ट आप डबल फोकल लेंथ पे प्लेस कर देंगे इन इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस तो सेम साइज का इमेज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड भी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसको फर्दर और आगे मूव करवा दें, यानी डबल फोकल लेंथ और फोकल लेंथ के दरमियान रख दें, तो फिर डेफिनेटली जो तीन रेज दोबारा ड्रा करें, एक अपर पार्ट से यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्रैक्ट होगी, फोकल लेंथ से पास करेगी, उसके बाद सेंटर वाली ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली जाएगी, तीसरी फोकल लेंथ से पहले पास करेगी, लोअर पार्ट वेरी लोअर पार्ट से रिफ्रैक्ट होगी और यहाँ मीट करेंगी। अब जो इमेज बना है वो एक तो जो है ना वो जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे ज़्यादा बड़ा है, और दूसरा जो इमेज की लोकेशन है वो 2f से बाहर है। पहले क्या था, ऑब्जेक्ट 2f पे रखा, इमेज भी 2f पे बना सेम साइज, अब हमने थोड़ा आगे प्लेस किया तो जो इमेज है वो थोड़ा और आगे डिस्प्लेस हो गया, तो इमेज जो है वो 2f से बाहर बना है, और इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तो रियल और इन्वर्टेड भी है। ये बात याद रखनी है, जब ऑब्जेक्ट डबल फोकल लेंथ और फोकल लेंथ के दरमियान प्लेस करेंगे तो राइट साइड पर जो इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। उसके बाद है जी, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पर ही प्लेस कर दें, फोकल लेंथ पर रख देंगे, तीसरी रे तो मिस हो गई क्योंकि वो फोकल लेंथ से ही पास कर रही थी, उधर ऑब्जेक्ट आ गया, दो रेज जाएंगी, एक अपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपर पार्ट से रिफ्रैक्ट होगी, फोकल लेंथ से पास करेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली जाएंगी, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, इमेज जो है वो इन्फिनिट पे चला जाएगा, तो कोई इमेज नहीं बनेगा, एक तरह से हमेशा के लिए पैरेलल हो जाएंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हम फोकल लेंथ के अंदर प्लेस कर देंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम लेंस वो फोकल लेंथ से छोटा हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट विद इन फोकल लेंथ प्लेस कर दिया इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो वही दोबारा दो रेज, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो रिफ्रैक्ट हुई और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी। अब ये दोनों जो है ना वो पैरेलल तो नहीं है क्योंकि उसको उसके बैक साइड पे अगर उनको इंक्रीज करें डॉटेड से तो वो एक पॉइंट पे यहाँ पर मीट करती हुई दिखाई देंगी, और यहाँ पर एक वर्चुअल लार्ज और एरिट इमेज बनेगा। देखें उसका साइज जो है ना इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, और ये इमेज रियल है क्योंकि ये सेम साइड पे बना है, जैसे इन केस ऑफ कनकेव आपने देखा था सेम साइड पे एक स्मॉल इमेज बना था, लेकिन यहाँ पर जो इमेज बना वो लार्ज रेट और वर्चुअल इमेज है। तो जब भी आपने याद रखना है हम ऑब्जेक्ट को विद इन फोकल लेंथ प्लेस कर देंगे इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस तो सेम साइड पे एक लार्ज वर्चुअल और एरिट इमेज बनेगा। ठीक है जी, तो ये इसकी डायग्राम्स हैं, कोई भी पूछी जा सकती है पेपर में, वो आपने ड्रा करनी होगी। तो ये पूछी गई है एक दफ़ा पेपर में कि जब आप इमेज को सॉरी ऑब्जेक्ट को डबल फोकल लेंथ पे प्लेस करेंगे तो इमेज की लोकेशन और नेचर कैसी होगी ये बताएं, तो फिर आपने ये डायग्राम बनानी और ये लाइन लिख देनी है, बस इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी डायग्राम पूछी जा सकती है, ये आपने तैयार करनी है। तो कल फिर इंशाल्लाह हम इसके फार्मूले की तरफ चलेंगे, जैसे मिरर्स का फार्मूला था एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर।